मजर और राम राम, नमस्कार। आज हम बैठे वार्ड नंबर 10 नगरा महावीरन में। वार्ड नंबर 10 के अंदर चूंकि महिला सीट है, जावार जब वार्ड से श्रीमती अर्चना पारिचत एहरवार। श्रीमती अर्चना जी बैठी हमारे बीच में, देखो सामने कछु और है और होर्डिंग में दिख रही नई फोटो लगा रही, तो वास्तव में लगाई जाता हमारे बीच में। भाई साहब बैठे पारिचत एहरवार जी, दो ही जने लगे हैं बिल्कुल वार्ड के अंदर, घूम रहे आशीर्वाद ले रहे और शुरू से लोगों के बीच में दुख सुख में जावे को काम कर रहे। अब इनसे जानते जानत की कैसो का माहौल वार्ड के अंदर देखने को मिल रहा। अब ये सब बताएं। भाभी राम राम। राम राम नमस्ते। कैसा का लग रहा वार्ड में? अच्छा लग रहा हूँ, लग रहा हूँ जा रही हूँ। हाँ बढ़िया लग रहा। जनता का कह रही है आपसे? जनता जनता हमारा समर्थन चाहती है, हमारा समर्थन करना चाहती है। हाँ और जिस तरह से आप जा रही वार्ड में मोहल्लन में, तो कहा देखने मिल रही समस्या लोगों को बता तो ये? सब लोग मतलब हमारी वो कर रहे हैं कि आप ही पार्षद बनोगी। अच्छा क्या? हाँ तो कुल मिलाकर रात के लगे नहीं है आपको? आप आपके साथ बेईमानी हुई थी पहले। पहले लड़ी थी आप? कितने वोट? 25 वोट। हाँ अच्छा, सन 2012 सपा सरकार। अच्छा लड़े थे तो उसमें भी पहले नंबर पर हमारा मतलब 200 वोट से लीड आगे चल रही थी। चल रहा चलो ले चलो पारिचत एहरवार जी मौका पे मौजूद है, जे भी देखो सब बताए। भाई साहब कैसा कर रहा हो? तो पहले लड़े थे चुनाव? भाई मैं तो समाज के हित में रहा हूँ हमेशा, आज भी हूँ, चुनाव नहीं लड़ूंगा तो भी हूँ। मैं तो दुख सुख में रहता हूँ, मेरा जीवन ही समाज में गुजारना है और समाज का हित का काम करना है। ठीक है भाई, अपन वादे तो आदमी झूठे वादे करते हैं चुनाव में कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन हमें तो सत्य की विजय पे चलना है। सत्य है और कर्म ही पूजा है, कर्म से भाग का निर्माण होता है। बस यही मेरा निर्णय है, ना पैसा जाता ना दौलत जाती, सब घर मकान है ही धरे रह जाते, प्रेम है तो सब कुछ है। अभी हमने अभी वीडियो चलाने से पहले आप कहीं थी हम समूह में जो दुलत महिलाओं हाँ, मामे भी काम कर रहे हैं। हाँ समूह महिला जुड़ी आपके साथ? एक समूह में 21 औरतें हैं, एक हाँ, में 15 औरतें हैं, एक में 20 औरतें। तुम्हारे संग में है कि नहीं है? हाँ साथ में है। अच्छा साथ में है। अरे जो बताओ पार्टी से ताल्लुक रखा था निर्दलीय ला रहे हैं? नहीं ऐसा है कि अभी हम अपनी हर समाज से बात करेंगे कि हमें किस रूप में उघाड़ना चाह रहे, पार्टी के रूप में कि उसमें निर्दलीय के रूप में, हमारे चेहरे की वो देगा गवाह गवाह। भाई साहब जो बताओ जिस तरीके से लड़ रहे चुनाव, कितने का वोटिंग है? ये तरह वोट की है 6,500 करीब वोटिंग है वार्ड नंबर 10 से। कभी वोट पूरा तो डलता नहीं, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, तो 4,000 की वोटिंग होगी। अच्छा वार्ड में कब से जुड़े आप, दुख सुख में जा रहे हमारे मोहतर में जाती है, कब से लोगों ने? मैं तो दो कम से कम आज मुझे 20 साल हो गए। भाई एक तो मैं रहा हूँ मेडिकल लाइन में, अच्छा, मल्टीपर्पज डॉक्टरों की गाड़ी चलाई, स्ट्रेचर उठाए, दुख सुख में मैंने 3 बार यानी 8 ब्लड दान किए। अच्छा बढ़िया ठीक है। आज इतने ब्लड दिए कि आदमी मेरा जय जयकार करते हैं कि पारिचत को कोई वो पॉजिटिव हो तो पारिचत को चाहिए। तो मैं तो वीकनेस हूँ उम्र के हिसाब से, मेरी 50 साल उम्र हो चुकी है ना, तो अब मैं भी फिर भी किसी का भला कर देता हूँ ले जाके। भाभी कैसा का व्यवहार आपके पति को है? तुम्हारा है ये व्यवहार तो हमारा बहुत अच्छा है। और इनका भी बहुत अच्छा व्यवहार है। जैसे पब्लिक इस चीज को जवाब देगी, आप कहीं भी जाके पूछ लीजिए मतलब पूरे मोहल्ले में, तो हम लोगों का व्यवहार ही अलग है। आज से नहीं जब से मतलब इधर आए हम। भाई साहब अगर भगवान ने सुन लिया आप विजय तिलक भाई, ऐसा है कि मैंने दो भागवत कथाएं करी हैं, सबको जोड़ा है, सबको अंदर ज्ञान बांटा है कि भाई आदमी कोई कहीं रहता है, एक भगवान की रेखा ऐसी चलती है, जो आरती होती है अगरबत्ती लगती हैं तो उसमें सब दिखता है। मैंने कम से कम जो अपने शनि देव जी का मंदिर बन गया उसमें भंडारा भी करा है और 8 दिन की भागवत कथा भी कराई है। बस अब ये है कि मुझे पूरी महिलाएं और आपकी भाभी को पूरी महिलाएं जानती हैं। अच्छा भाभी बस समाज सेवा करने वाली, समाज सेवा करने को मिला के बस बस जो भी परेशानी हमारे पास सब कुछ है, खेती बाड़ी है तो हमारा तो 20-25 क्विंटल गेहूं हो जाता है। बस हम तो चटनी रोड के खा लेंगे लेकिन समाज के हित में रहेंगे। समाज के हित में दारू माऊ तो नहीं बटेगी? नहीं नहीं हम ये नहीं हमें तो जैसे हम मर भी गए
तो वो इंसान हमारी मिट्टी में जाएगा, वो हमारी दौलत जाएगी। बहुत शानदार भैया पारिचत एहरवार साहब, वार्ड नंबर 10 महावीरन नगरा से। देखो भाभी को बहुत अच्छा सवाल, उन्होंने सब कुछ बता दे कि भज्जा हमें तो उससे व्यवहार चाहिए, लोगों के बीच में दुख सुख में जाते हैं, शुरू से लोगों की मदद करें। भाभी के संग एक महिलाएं की समूह के द्वारा बहुत सारी महिलाएं इनके बारे में जुड़ी हैं, तो ये समूह को काम भी करत। और भाई साहब तो आपने सुने ली पूरी की 8 बार ब्लड रक्तदान दो, कई भागवत कथाएं कराई, कुल मिला के बहुत समस्या को समाधान हर बात के अंदर कर्म को काम कर पारिचत एहरवार जी। अब देखे वाली जनता जाएगी, पिछली बार इन्हें दूसरे नंबर पर रखो, तो कि जावर जनता ने पहले नंबर पर लावे को काम करे वो तो जनता ही बताए। कैमरामैन पुष्पक साथ देवेंद्र कुमार संवाददाता देवनूत झांसी, जयराम जी की।